गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू MLP यूट्यूब चैनल। आई सीमा फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। स्टूडेंट, आवर क्लास इज फर्स्ट एंड सब्जेक्ट इज मैथ एंड टुडे आवर टॉपिक इज एडिशन बाय ड्राइंग लाइंस। ओके, सो बेटा आवर चैप्टर है फोर्थ और आवर टॉपिक है एडिशन बाय ड्राइंग लाइंस। सो बेटा लेसन नंबर फोर में है टॉपिक एडिशन, ADDITION, एडिशन बाय ड्रॉइंग लाइंस, DRAWING, ड्रॉइंग लाइंस, एडिशन बाय ड्रॉइंग लाइंस। लाइन ड्रॉ करके हमें एडिशन के सम करने। ओके, सो बेटा फॉर एग्जांपल कि हमें 3 और 4 को ऐड करना है ड्रॉइंग लाइन से। सो कैसे करेंगे हम बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ 3 लाइंस फॉर 3। हमें 3 लाइंस ड्रॉ करनी है क्योंकि अवर फर्स्ट डिजिट क्या है हमारे यहाँ पे 3। 1, 2, 3। नेक्स्ट अब क्या करना है? ड्रॉ 4 लाइंस फॉर 4। 1, 2, 3, 4। अब क्या करना है? काउंट ऑल द लाइंस की, और जो लाइन है इनको काउंट करना है, सभी लाइनों को काउंट करेंगे। सो काउंट इट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो आवर सम इज 7। 3 और 4 को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा बेटा? 7। ऐसे ही नेक्स्ट सम है 5+1। 5 में हम 1 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा बेटा देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ 5 लाइंस, 1, 2, 3, 4, 5। देन वी ड्रॉ 1 लाइंस, 1। अब काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारे पास कितनी लाइन है बेटा? यहाँ पे 6 लाइन हो गई। हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 6। ऐसे ही नेक्स्ट सम है 5 में हम 2 ऐड करेंगे तो देखेंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ 5 लाइंस, 1, 2, 3, 4, 5। एंड देन वी ड्रॉ 2 लाइंस, 1, 2। काउंट इट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमारी टोटल लाइनें कितनी हो गई बेटा? यहाँ पे 7 लाइनें। ओके, एंड नेक्स्ट 2 में हम 2 ऐड करेंगे, ऐड 2+2। सो क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ 2 लाइंस फॉर 2, 1, 2। देन वी ड्रॉ 2 लाइंस, 1, 2। वी काउंट ऑल द लाइंस, 1, 2, 3, 4। आंसर क्या आएगा बेटा हमारे यहाँ पे? 4। ओके, अब आप अपनी बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर है 20, बुक में हम सम करेंगे बेटा अब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज नंबर है बेटा 4.4, ऐड बाय ड्रॉइंग लाइंस। ऐड करना है हमें ड्रॉइंग लाइंस का यूज करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सम है हमारा 5+1। 5 में हमें 1 प्लस करना है तो कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा? यहाँ पे 5 लाइन है, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5। देन वी ड्रॉ 1 लाइन, काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? यहाँ पे 6 आएगा। ओके, ऐसे नेक्स्ट सम है 1, कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा हम? 8 लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देन वी ड्रॉ 1 लाइन, काउंट इट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हमारी लाइन कितनी हो गई बेटा यहाँ पे? 9 लाइन्स। नेक्स्ट सम है हमारा 3 में हम 3 ऐड करेंगे तो क्या करेंगे? ड्रॉ 3 लाइन्स फॉर 3, 1, 2, 3 और 1, 2, 3। ओके, सो काउंट ऑल द लाइन्स, 1, 2, 3, 4, 5,
सिक्स, हमारी टोटल लाइनें कितनी हो गई बेटे यहाँ पे, सिक्स लाइनें। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट सम करना हमें, वन में हमें थ्री ऐड करना है, तो वन एंड नेक्स्ट वन टू थ्री काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर। ओके, ये सारे सम बेटा आपको ऐसे ही करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज है एडिशन बाय कोलमन मेथड। अब हम एडिशन करेंगे कोलमन मेथड से, सो लेट्स स्टार्ट। सो बेटा अभी हम एडिशन करेंगे कोलमन मेथड से, अब हम एडिशन कर रहे थे ड्रॉइंग लाइन से, अब हम क्या करें एडिशन बाय कोलमन मेथड से। ओके, फॉर एग्जांपल कि हमें एट में हमें वन ऐड करना है, ऐड एट प्लस वन इज इक्वल टू एट, तो हमें क्या स्टार्ट करना है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल एट को यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ एक करके यहाँ पे एट राइट करेंगे, देन ड्रॉ एट लाइंस फॉर एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, देन वन को अब ऐसे लेके आएंगे यहाँ पे वन राइट करेंगे, एंड ड्रॉ वन लाइन फॉर वन, एडिशन का साइन यूज करेंगे यहाँ पे बेटा। सो अब काउंट ऑल द लाइंस, काउंट करेंगे लाइन को, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, नाइन, तो हम नाइन को यहाँ पे ऐसे राइट करेंगे। ओके, सो बेटा दोनों ही सम एक जैसे हैं, बस आपको ये एरो का साइन यूज करना है, अदरवाइज सम एक जैसे हैं। नेक्स्ट समय ऐसे ही कि फोर में हम टू ऐड करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर को यहाँ से ऐसे लेके आएंगे, एरो का साइन यूज करेंगे एंड फोर राइट करेंगे, देन अब हम टू को ऐसे लाएंगे एंड कॉलम में राइट कर रहे हैं हम बेटा इन नंबरों को। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नंबर्स इन कॉलम। ओके, कॉलम में नंबर राइट करेंगे और उसके बाद हमें लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, सो बेटा देखेंगे कि हमारी क्या है, फोर है, यहाँ पे फोर लाइन ड्रॉ करेंगे, वन टू थ्री फोर, देन वी ड्रॉ टू लाइंस, अब काउंट करेंगे लाइनों को, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कि देखो ये हमारी डिजिट है, ये हमारा आंसर कितना है यहाँ पे बेटा, सिक्स, ये वैसे राइट किया हुआ है, अब हमें इनको कैसे राइट करना है, कॉलम में राइट करना है। ओके, कॉलम में राइट करके और ऐड करना है। ओके, वो हमारा कोलमन मेथड होता है। नेक्स्ट सम है हमारा ऐसे ही कि हमें टू में वन ऐड करना है बेटा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू को क्या करें, इनको क्या करें, कॉलम में राइट करेंगे, अब वन को राइट करेंगे एंड काउंट करेंगे, सो बेटा कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, टू लाइने एंड यहाँ पे वन लाइन्स, अब काउंट करेंगे, वन टू थ्री, हमारे यहाँ पे कितना आंसर आएगा बेटा, थ्री। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट सम हो जाएगा हमारा, टू प्लस टू, टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू को क्या करेंगे, इधर वाली डिजिट को फर्स्टली राइट करना है। ओके, यहाँ पे टू राइट करेंगे, देन फिर हम क्या करेंगे, इसको टू को फिर राइट करेंगे एंड लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा, वन टू एंड वन टू, काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर। ओके, ऐसे ही सारे सम करने हैं, हमारे ही सम बेटा एक क्वेश्चन में राइट किए हुए हैं, इनको हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम में राइट करना है, देन उसके बाद दोनों ही सम एक जैसे, ड्रॉइंग लाइंस वाले भी और कॉलमन मेथड वाले भी। ओके, सो बेटा डू एच डब्ल्यू सम, नोट योर एच डब्ल्यू सम इन योर नोटबुक, मैथ्स नोटबुक। ओके, सो बेटा ओपन योर मैथ्स नोटबुक एंड नोट सम, और हेडिंग है बेटा, मेंशन योर हेडिंग एड बाय कोलमन मेथड, सी ओ एल यू एम एन कोलमन, एम ई
THOD मेथड। ओके सो फर्स्ट सम है हमारा बेटा 3 + 2। नेक्स्ट सम है बेटा 6 + 1। नेक्स्ट सम है 3 + 5। एंड लास्ट सम है बेटा हमारा 5 + 4। ओके सो बेटा डू नीट एंड क्लीन HW इन योर नोटबुक। फर्स्ट सम है हमारा 3 + 2। नेक्स्ट है 6 + 1। नेक्स्ट सम है बेटा 3 + 5 एंड लास्ट सम है 5 + 4। ओके सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई विल रीड चैप्टर 5 एनिमल्स अराउंड अस इन फ्रंट ऑफ यू इन साइंस। सो लेट्स वी स्टार्ट क्लासेस फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है हमारा एनिमल्स अराउंड अस, हमारे चारों साइड जो जानवर रहते हैं हमारे, उसके बारे में रीड करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आज रीड करेंगे पेट्स एंड फार्म एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, वाइल्ड एनिमल्स, इंसेक्ट एंड हाउ डू एनिमल्स मूव। ओके सो लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट दिया हुआ है टिक द एनिमल्स दैट यू हैव सीन इन योर नेबरहुड और सराउंडिंग। आपको टिक करना है जो आप अपने नेबरहुड अड़ोस पड़ोस में देखते हो और अपने सराउंडिंग में देखते हो, अपने आसपास के वातावरण में। फर्स्ट काऊ की पिक्चर है, काऊ की पिक्चर आप देखते हो, काऊ देखते हो आप अपने आसपास, कैट को भी देख सकते हो आप अपने आसपास, टाइगर को नहीं देखते हो आप, गोट भी मिल जाती है आपके आसपास और बियर को भी आप नहीं देखते, ये क्योंकि फॉरेस्ट जंगल में रहते हैं। नाउ वी रीड चैप्टर। वी फाइंड डिफरेंट एनिमल्स अराउंड अस, हम अपने चारों ओर विभिन्न जानवरों को देखते हैं, ढूंढते हैं, मिलते हैं हमें अपने चारों ओर। सम एनिमल्स आर बिग, सम आर स्मॉल एंड सम आर टिनी। कुछ एनिमल बहुत बड़े होते हैं, कुछ जानवर छोटे होते हैं और कुछ जानवर उससे भी सबसे छोटे होते हैं। फर्स्ट इज पेट्स एंड फार्म एनिमल्स, पालतू जानवर और खेतों के जानवरों के बारे में रीड करेंगे हम। सम पीपल हैव पेट्स, कुछ जानवरों के पास पालतू जानवर होते हैं, जैसे कि डॉग, कैट्स, फिश, पैरट एंड रैबिट्स आर सम एनिमल्स दैट स्टे इन आवर हाउस एज ए पार्ट ऑफ आवर फैमिली। कह रहे हैं जो डॉग्स, कुत्ते होते हैं, बिल्ली, मछली, तोता एंड जो खरगोश होते हैं, वो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो हमारे घरों में रहते हैं, हमारे एक परिवार का हिस्सा बनकर। वी कॉल देम पेट्स, इन्हें हम पेट्स कह सकते हैं, पालतू जानवर कहते हैं। किन्हें किन्हें बेटा? डॉग, कैट, फिश, पैरट एंड रैबिट। सम एनिमल्स सच एज काउ, बफेलोज, शेप, हैंस, डक एंड हॉर्सेस लिव इन फार्म। कुछ जानवर जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ, मुर्गियाँ, डक्स, बतकें और जो घोड़ा है वो रहते हैं खेतों में। दे गिव अस मिल्क, एग एंड अदर फूड, ये हमें दूध, अंडे और भी भोजन प्रदान करते हैं। दीज आर कॉल्ड फार्म एनिमल्स, ये हमारे खेतों के जानवर कहलाते हैं। ओके नाउ वी रीड वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड होता है जंगली जानवर के बारे में रीड करेंगे हम। ओके टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, स्नेक्स, बियर्स, वॉल्स एंड जिराफ्स आर एनिमल दैट लिव इन द फॉरेस्ट। जो बाघ, शेर, हाथी, सांप, भालू, लोमड़ी, जिराफ होते हैं बेटा, वो सभी कैसे जंगली जानवर होते हैं जो जंगल में रहते हैं। वी कैन ऑल्सो सी दैम इन द जू, इनको हम किसमें चिड़ियाघर में भी देख सकते हैं। दे आर नोन एज वाइल्ड एनिमल, ये जंगली जानवर के रूप में जाने जाते हैं। कौन कौन बेटा? टाइगर, लायंस, एलिफेंट, स्नेक्स, बियर, वॉल्स एंड जिराफ। नाउ वी रीड बर्ड्स, बर्ड्स हो गए हमारे पक्षी। क्रोस, स्पैरो, पिजन, ईगल्स, हैंस एंड पैरट्स आर बर्ड्स। जो क्रोस, कोए, चिड़िया, कबूतर, ये सभी, तोता, ये सभी हमारे क्या हो गए? पक्षी। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, ज़्यादातर पक्षी उड़ सकते हैं। विंग्स हेल्प देम फ्लाई, जो विंग्स होते हैं, इनके पंख होते हैं, इन्हें उड़ने में मदद करते हैं। बर्ड्स हैव
फेदर्स, जो पक्षी होते हैं उनके पंख होते हैं, दे हैव बीक टू पिक होल्ड एंड ईट फूड, और इनके बीक्स में चोंच होती है जिससे वह भोजन को उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं और खा सकते हैं। पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी, रेहा एंड ईमू आर सम बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी और रेहा और ईमू जैसे जो पक्षी होते हैं वह उड़ नहीं सकते हैं। सच बर्ड मूव बाय रनिंग एंड वॉकिंग, यह ऐसे पक्षी मूव चल सकते हैं और चलते हैं किसे तोड़ते और वॉकिंग भी कर सकते हैं। डक्स एंड स्वैंस आर बर्ड्स दैट कैन स्विम एज वेल, और जो डक होती है, हंस और स्वैंस होते हैं, वो क्या स्विम कर सकते हैं, अच्छे से स्विमिंग कर सकते हैं, तैर सकते हैं। इंसेक्ट में बेटा, इंसेक्ट आर टीनी एनिमल्स विद सिक्स लेग, जो इंसेक्ट कीड़े मकोड़े होते हैं वो छः पैरों वाले छोटे जानवर होते हैं। टीनी मीन्स छोटे, छोटे जानवर होते हैं छः पैरों वाले, कौन, इंसेक्ट। कॉकरोचेज, फ्लाइज, आंट्स, बटरफ्लाइज एंड हनी बीज आर इंसेक्ट। अब इंसेक्ट में क्या कह रहे हैं, कॉकरोच, फ्लाइज होती हैं जो मक्खियाँ, आंट, चींटियाँ, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, ये सभी हमारी इंसेक्ट होती हैं, कीड़े मकोड़ों की श्रेणी में आते हैं। इंसेक्ट मूव बाय क्रीपिंग एंड क्रावलिंग, जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो रेंगते हुए और घिसते हुए चलते हैं। सम इंसेक्ट्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, कुछ जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो अपने पंख से भी उड़ सकते हैं। नाउ वी रीड फिश, मछली के बारे में रीड करेंगे हम। फिश लिव इन वाटर, मछली पानी में रहती है। दे ब्रीथ इन वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स, जो मछलियाँ होती हैं वो अपने गिल्स में, अपने फेफड़ों की मदद से सांस लेती हैं। दे हैव फिन्स टू हेल्प देम स्विम इन वाटर, जो इनके ये अपने पंख, जो फिन्स होते हैं, इनके पंख होते हैं, उनसे पानी में तैरती है। फिशेस कैन बी स्मॉल और बिग, जो मछलियाँ हैं वो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। सम फिशेस आर वेरी कलरफुल, कुछ मछलियाँ बहुत ही कलरफुल, रंगीन होती है। हाउ डू एनिमल्स मूव, जो जानवर मूव कैसे करते हैं। डिफरेंट एनिमल मूव इन डिफरेंट वेज, विभिन्न प्रकार के जानवर विभिन्न अलग अलग तरीक़ों से मूव चलते हैं। सम एनिमल्स फ्लाई, कुछ जानवर उड़ सकते हैं जैसा कि पिक्चर में दिया हुआ है। कुछ सम एनिमल वॉक एंड रन, कुछ जानवर चल सकते हैं और दौड़ सकते हैं गिवन पिक्चर। सम एनिमल होप एंड जम्प टू मूव, कुछ जानवर उछलते और कूद सकते हैं। एंड सम एनिमल्स स्विम इन वाटर, एंड कुछ जानवर पानी में तैर सकते हैं। सम एनिमल्स क्रीप एंड क्रावल ऑन द ग्राउंड टू मूव, और कुछ जानवर क्रीप रेंगते और घिसते हुए धरती पर चलते हैं। ओके, नाउ वी डू सम एक्सरसाइज। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। टुडे आई विल रीड चैप्टर 10, सेव अदर एंड यू विल बी सेव्ड, दूसरों को बचाओगे तो खुद भी बच जाओगे। इन द जंगल देयर वाज ए लायन, जंगल में एक शेर था। वंस ही ले एस्लीप अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, एक बार वह एक पेड़ की छाया के नीचे सो गया। द माउस क्लाइम्ड ओवर हिज बॉडी एंड बिगन टू जंप एंड प्ले, एक माउस जो शेर के शरीर के ऊपर उछलने लगा, कूदने लगा और खेलने लगा। द लॉयन वोक अप एंड कैच द माउस इन हिज पाओ, जो लॉयन है वो उठ गया और उसने उसको अपने पंजे में, चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। द माउस गॉट टेरिफाइड, जो माउस था बड़ी बहुत ही बिगी बिल्ली बन गया, एकदम से डर गया। ही सेड फॉरगिव मी सर, आई वॉन्ट डॉन्ट डू इट अगेन, कहता है चूहा कि मुझे छोड़ दो महाराज, शेर महाराज, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। द लॉयन वाज काइंड हार्टेड, जो शेर था वह बहुत ही दयालु था। सो ही लेट द माउस गो, इसलिए उसने चूहे को जाने दिया। आफ्टर ए फ्यू डेज ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट, कुछ दिनों बाद एक शिकारी जंगल में आया। ही लेड ए ट्रैप एंड द लॉयन वाज कैच इन इट, उसने अपना जाल बिछाया और उसमें शेर को पकड़ लिया।
नाउ द लॉयन वॉज इन ट्रबल, अभी जो शेर था वह मुसीबत में था। ही क्राइड इन पेन, वह दर्द से करा रहा था, चिल्ला रहा था। द माउस हियर्ड हिज रोर, जो चूहा था उसने, जो शेर था उसके दाड़ने की आवाज़ सुनी। ही रिमेम्बर्ड द लॉयंस काइंडनेस, उसे याद आती है कि उसने, शेर ने मुझे किस प्रकार छोड़ा था। सो ही रस्ट देयर, इसलिए वह यहाँ जहाँ जाल में बिछा हुआ था, शेर पकड़ लिया था शिकारी ने, वहाँ पहुँच गया। द माउस हैड शार्प टीथ, उसके नुकीले दांत हैं, किसके, चूहे के। ही कट द स्ट्रिंग्स ऑफ द नेट एंड फ्रीड द लॉयन, जो चूहा था उसके दांत नुकीले होते हैं, उसने अपने दांतों से नेट के जो तार होते हैं उनको काट दिया और लॉयन शेर को आज़ाद कर दिया। ही थैंक द माउस, जो शेर है उसने धन्यवाद किया चूहे को, विद ऑल हर्ट, उसने अपने उस जो शेर है उसने दिल से चूहे का धन्यवाद किया। एंड दे रिमेन्ड फ्रेंड्स फॉर एवर, और वह सदा सदा के लिए एक दूसरे के दोस्त बन गए। तो बेटा स्टोरी में यही था कि शेर ने एक बार चूहे को पकड़ लिया था जब वो उसकी शरीर पर खेल रहा था, कूद रहा था, बट शेर ने उसे छोड़ दिया। कुछ समय बाद शेर को एक जाल में पकड़ दिया एक शिकारी ने, तो जो चूहा था उसको याद आया कि शेर ने मुझे किस प्रकार छोड़ा था, तो वह उसकी मदद करने जाता है और उस जाल को काट देता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। नाउ वी डू सम वर्ड मीनिंग इन चैप्टर 10, लेसन 10, वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ। ले, L-A-Y, ले, ले मीन्स लेटना। नियर बाय, पास ही, नियर बाय, पास ही। क्लाइम्ब्ड, चढ़ गया, क्लाइम्ब्ड, चढ़ गया। मीन टाइम, इसी बीच या इसी समय, मीन टाइम, इसी बीच या इसी समय। पाउज, पंजा, पाव मीन्स पंजा। टेरिफाइड, टेरिफाइड मीन्स भीगी बिल्ली या डरा हुआ, भयभीत हुआ, टेरिफाइड, भीगी बिल्ली। काइंड हार्टेड, दयालु, काइंड हार्टेड, दयालु। ट्रैप, जाल, ट्रैप मीन्स जाल। ट्रबल, ट्रबल मीन्स मुसीबत, ट्रबल, मुसीबत। रस्ट, पहुंचा, रस्ट मीन्स पहुंचा। बेटा ये वर्ड मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। नाउ वी डू चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज द लॉयन ले एस्लीप अंडर ए, जो शेर था वह किसके नीचे सोया गया था, रॉक, ट्री, डैन, रिवर। राइट आंसर इज ट्री, राइट आंसर इज ट्री, पेड़ के नीचे सो गया था, सो राइट डाउन ट्री। नेक्स्ट इज ए ब्लैंक क्लाइम्ब्ड ओवर द लॉयंस बॉडी, जो शेर के शरीर पर कौन उछल रहा था, कौन कूद रहा था, हंटर, टाइगर, कैट, माउस। राइट आंसर इज माउस, सो राइट डाउन माउस। नेक्स्ट इज द लॉयन कैच द माउस इन हीज, जो लॉयन है उसने कैच कर लिया था किसको, माउस को, किसमें, क्लाउस में, माउथ में, पाउस या टेल। पाउस मीन्स पंजा, उसको जो चूहे को शेर ने किसमें पकड़ लिया था, अपने पाओ, अपने पंजे में, सो राइट डाउन पाउस, PAWS। नेक्स्ट इज द माउस कट द ब्लैंक ऑफ द नेट, जो चूहा था उसने नेट की क्या काट दी थी, स्ट्रिंग्स, स्प्रिंग्स, स्ट्रिप्स या नन ऑफ दीज, स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स उसके तार काट दिए थे, सो राइट डाउन स्ट्रिंग, STRINGS। नाउ वी डू ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट इज द माउस क्लाइम्ब्ड ओवर द लॉयंस बॉडी, जो शेर था, जो चूहा था वो शेर के शरीर पर कूद रहा था, यस दिस इज राइट, राइट डाउन टी, टी फॉर ट्रू। नेक्स्ट इज द लॉयन एट द माउस, जो चूहा शेर था उसने चूहे को खा लिया था, नो दिस इज रॉन्ग, सो राइट डाउन फॉक्स। नेक्स्ट इज द माउस गॉट टेरिफाइड, जो माउस था वह बहुत ही डर गया था, भयभीत हो गया था, भीगी बिल्ली बन गया था, यस दिस इज राइट, सो राइट डाउन टी, टी फॉर ट्रू। नेक्स्ट इज द हंटर किल्ड द माउस, जो हंटर था, शिकारी था, उसने शेर को मार दिया था, नो दिस इज रॉन्ग, सो राइट डाउन फॉल्स। ओके डियर स्टूडेंट, राइट डाउन वर्ड मीनिंग इन योर नोटबुक एंड क्वेश्चन ए और बी राइट डाउन इन योर बुक। एंड बेटा रिवाइज आप साथ साथ करते रहे, आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर सी और डी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, आई एम संगीता मैम, टीचर ऑफ फर्स्ट क्लास एट MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी
ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में निबंध करेंगे। निबंध है मेरा प्रिय मित्र। ठीक है बेटा, पहले हम इसको पढ़ा चुके हैं, आज हम इसका रिवीजन करेंगे, अभ्यास करेंगे। आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है। ठीक है प्रिय मित्र, देखिए आप सभी के कोई ना कोई तो प्रिय मित्र होगा ही। ठीक है, तो निबंध करेंगे मेरा प्रिय मित्र। ठीक है, आठ वाक्य लिखेंगे हम निबंध में। तो पहला हमारा वाक्य है नंबर वन। हमारा वाक्य क्या है, मेरे बहुत से मित्र हैं। हम लिखेंगे मैं ए र ए, मेरे बहुत ब है तू त, मेरे बहुत स ए से, मेरे बहुत से मित्र हैं। मैं छोटी की मात्रा और त्र मित्र है, मेरे बहुत से मित्र हैं। ठीक है, हमारा पहला वाक्य कंप्लीट हुआ। दूसरा वाक्य है हमारा लेकिन, राम मेरा प्रिय मित्र है। लेकिन ल ए क ई न, लेकिन राम र आ म, राम मेरा म ए र आ, मेरा प्रिय, पैक के इधर र और छोटे की मात्रा और फिर यह प्रिय। लेकिन लेकिन राम मेरा प्रिय मित्र, मैं ई त्र मित्र है। देखिए मेरे बहुत से मित्र है, लेकिन राम है वो मेरा प्रिय मित्र है, पूर्ण विराम। तीसरा वाक्य है हमारा वह सुबह जल्दी उठता है। वह है वह सुबह स उ ब है, वह सुबह जल्दी ज आधा ल दी जल्दी उठता उ ठ त आ उठता है, वह सुबह जल्दी उठता है। ठीक है, वह पहली कक्षा में पढ़ता है। फोर नंबर, चौथा नंबर क्या है, वह वह है, वह पहली प है ल ई, वह पहली कक्षा क छ छत्रज्ञ वाला छ आका डंडा, वह पहली कक्षा में मैं ए में पढ़ता प घ त आ पढ़ता है, वह पहली कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, पांचवा वाक्य लिखेंगे वह पढ़ने में बहुत होशियार है। वह वह है वह पढ़ने में प ढ न ए पढ़ने मैं ए में बहुत ब है उ त बहुत होशियार है ओ शम वाला स छोटे की मात्रा य आ र होशियार है, वह पढ़ने में बहुत होशियार है। छठा वाक्य है हमारा वह देखने में सुंदर है। वह है वह देखने में दे ख न ए देखने मैं ए में सुंदर स उ द र ऊपर बिंदु है, वह देखने में सुंदर है। सातवां वाक्य है बेटा मैं अपने मित्र को प्यार करता हूँ। मैं पे दो मात्राएं, मैं अपने मित्र को अपने मैं इत्र मित्र को मैं अपने मित्र को प्यार आदा प य आ र प्यार करता
कह रहता आ करता है ऊँ हूँ। मैं अपने मित्र को प्यार करता हूँ। आठवां वाक्य देखिए, मुझे अपने मित्र पर गर्व है। मुझे मैं ऊ जय ए मुझे अपने ए प न ए अपने मित्र मैं छोटे की मात्रा त्र मित्र पैर पर गर्व वह के ऊपर रह गर्व है। मुझे अपने मित्र पर गर्व है। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा निबंध। देखिए फिर से करेंगे एक बार। मेरे बहुत से मित्र हैं, मेरे बहुत से मित्र हैं, लेकिन राम मेरा प्रिय मित्र है। देखिए मेरे बहुत से मित्र है लेकिन राम जो है वो मेरा प्रिय मित्र है। तीसरा नंबर है, वह सुबह जल्दी उठता है। वह सुबह जल्दी उठता है। तीसरा वाक्य क्या है, वह सुबह जल्दी उठता है। चौथा वाक्य, वह पहली कक्षा में पढ़ता है। वह पहली कक्षा में पढ़ता है। पांचवा वाक्य क्या है, वह पढ़ने में बहुत होशियार है। वह पढ़ने में बहुत होशियार है। छठा वाक्य, वह देखने में सुंदर है। वह देखने में सुंदर है। सातवां वाक्य है, मैं अपने मित्र को प्यार करता हूँ। मैं अपने मित्र को प्यार करता हूँ। आठवां वाक्य है, मुझे अपने मित्र पर गर्व है। मुझे अपने मित्र पर गर्व है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा प्रिय मित्र निबंध। आपको अपनी बुक में ही इसको अभ्यास में लिखना है और याद भी करना है। ओके बेटा, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सोनू मैम, योर जीके टीचर फ्रॉम फर्स्ट क्लास। टुडे आई टीच बेटा चैप्टर नंबर 13, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां। वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां, VEGETABLES। वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां, सब्जियां। वेजिटेबल्स आर मेजर पार्ट ऑफ अवर डेली डाइट, VEGETABLES। वेजिटेबल्स ARER MAJOR मेजर, PARD पार्ट, OF ऑफ, OUR आवर, DAILY डेली डाइट, DIET डाइट। वेजिटेबल्स आर मेजर पार्ट ऑफ अवर डेली डाइट। जो हम सब्जी खाते हैं बेटा वो हमारी डेली रूटीन में खाते हैं, तो हमारी क्या है, डाइट, एक भाग है। ओके, ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, GREEN, VEGETABLES। वेजिटेबल्स ARER GOOD, FOR फोर, HEALTH हेल्थ। ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ। वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ मीन्स जो हम हरी सब्जियां खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए कैसी है बेटा, बहुत अच्छी, सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। लुक एट द पिक्चर्स एंड फाइंड द नेम ऑफ वेजिटेबल इन द ग्रिड, LOO के लुक, ATH द, PICTURES पिक्चर्स, ANDN FIND फाइंड, TH द, NAMES नेम्स, OFO, VEGETABLES टेबल्स, इन द ग्रिड, INNTH द, GRID ग्रिड। लुक एट द पिक्चर्स एंड फाइंड द नेम ऑफ वेजिटेबल्स इन द ग्रिड, कि जो हम इन पिक्चर की तरफ देखो, इन चित्र की तरफ देखो और सब्जियों के नाम इस बॉक्स के अंदर से ढूंढ के बताओ। नंबर फर्स्ट पे बेटा हमारे ये क्या है, देखो ये रेड कलर की क्या है, कैरेट। तो इसमें हम कैरेट को कहाँ ढूंढेंगे, देखो नीचे CARROT कैरेट। कैरेट मीन्स क्या होता है, गाजर। क्या होता है, गाजर। अब नंबर टू पे देखो ये क्या है, ग्रीन कलर की पीज। पीज मीन्स क्या होता है, मटर। तो अब इसमें हम देखेंगे कहाँ है पीज, PEA सेकंड लाइन में फिफ्थ नंबर पर, PEA, पी मीन्स मटर, पी मीन्स मटर।
अब नंबर थर्ड पे हमारा ये क्या है बेटा रेड कलर का टमेटो, क्या है टमेटो। अब देखो इसमें हम टमेटो ढूंढेंगे कहां पर है, अब देखो कहां है टमेटो, फोर्थ नंबर पर टी है, तो टी से नीचे ओ तक, टी ओ एम ए टी ओ टमेटो, टमेटो मीन्स टमाटर, टमेटो मीन्स टमाटर। अब है नंबर फोर्थ पे पटेटो, पटेटो मीन्स क्या होता है आलू, अब हम पटेटो ढूंढेंगे इस बॉक्स में कहां है, पी ओ टी ए टी ओ पटेटो, पी ओ टी ए टी ओ पटेटो, पटेटो मीन्स आलू, पटेटो मीन्स आलू। अब है हमारा ये फाइव नंबर पर क्या है टर्निप, टर्निप मीन क्या होता है शलजम, टी यू आर एन आई पी, टी यू आर एन आई पी टर्निप, टर्निप मीन क्या होता है बेटा शलजम, टर्निप मीन शलजम। अब है नंबर सिक्स पे हमारा ओनियन प्याज, ओ एन आई ओ एन, ओ एन आई ओ एन ओनियन, ओनियन मीन्स प्याज, ओनियन मीन्स प्याज। अब है नंबर सेवन पे हमारा ब्रिंजल, ब्रिंजल मीन्स बैंगन, बी आर आई एन जे ए एल, बी आर आई एन जे ए एल ब्रिंजल, ब्रिंजल मीन्स बैंगन, ब्रिंजल मीन्स बैंगन। अब है बनी एडवाइज में वी मस्ट इंक्लूड सलाद इन अवर डाइट, कि हम अपनी डाइट में सलाद को भी ऐड कर सकते हैं, हम सलाद खाते हैं तो उसको भी हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। देखो बेटा अभी हमने चैप्टर नंबर 13 किया था वेजिटेबल्स इन बुक में, कहा गया था अपनी बुक में, अब हम करेंगे अपनी नोटबुक में। तो नंबर फर्स्ट पे हमारा क्या था कैरेट, क्या था कैरेट, सी ए डबल आर ओ टी, क्या था कैरेट, सी ए डबल आर ओ टी कैरेट, कैरेट मीन्स क्या होता है गाजर, कैरेट मीन्स क्या होता है गाजर। अब हमारा नंबर टू पे क्या है पी, पी ई ए, पी ई ए पी, पी मीन्स क्या होता है बेटा मटर, पी ई ए पी मीन्स मटर, पी मीन्स मटर। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड पे हमारा क्या है टमेटो, क्या है नंबर थर्ड पे हमारा टमेटो, टी ओ एम ए टी ओ, टी ओ एम ए टी ओ, टी ओ एम ए टी ओ टमेटो मीन्स टमाटर, टमेटो मीन्स टमाटर, टी ओ एम ए टी ओ टमेटो, टमेटो मीन्स टमाटर। नंबर फोर्थ पे है पटेटो, नंबर फोर्थ पे है हमारा पटेटो, क्या है नंबर फोर्थ पे हमारा पटेटो, पी ओ पी ओ टी ए टी ओ, क्या है पटेटो, पी ओ टी ए टी ओ पटेटो, पी ओ पी ए टी ओ पटेटो। ओके अब है हमारा नंबर फाइव, नंबर फाइव पे हमारा क्या है बेटा टर्निप, क्या है टर्निप, टी यू आर टी यू आर एन आई पी टर्निप, क्या है टी यू आर एन आई पी टर्निप में सलजम, टर्निप में सलजम। अब नंबर सिक्स पे हमारा है ओनियन, क्या है ओनियन, ओ एन आई ओ एन ओनियन, ओ एन आई ओ एन ओनियन, ओनियन मीन्स प्याज, ओनियन मीन्स प्याज। अब है हमारा नंबर सेवन, सेवन नंबर पे हमारा क्या है बेटा ब्रिंजल, ब्रिंजल बी आर आई एन जे ए एल, क्या है ब्रिंजल, बी आर आई एन जे ए एल ब्रिंजल, ब्रिंजल मीन्स क्या होता है बैंगन, ब्रिंजल मीन्स बैंगन। आई विल बी रिपीट अगेन, कैरेट है नंबर फर्स्ट पे हमारा सी डबल आर ओ टी कैरेट, कैरेट मीन्स गाजर। नंबर टू पे है पी, पी ई ए पी, पी मीन्स मटर। नंबर थ्री पे है टमाटो, टी ओ एम ए टी ओ टमाटो, टमाटो मीन्स टमाटर। नंबर फोर्थ पे है पटेटो, पी ओ टी ए टी ओ पटेटो, पटेटो मीन्स आलू। नंबर फाइव पे है टर्निप, टी यू आर एन आई पी टर्निप, टर्निप मीन्स सलजम। नंबर सिक्स पे है ओनियन, ओ एन आई ओ एन ओनियन, ओनियन मीन्स प्याज, ओनियन मीन्स
प्याज। अब है नंबर सेवन पे ब्रिंजल, BRINJAL ब्रिंजल, ब्रिंजल मीन बैंगन। देखो बेटा अभी मैंने आपको चैप्टर नंबर 13 कराया बुक में भी, ओके। और अब हम ये फिर बुक के बाद क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 13 को अपनी नोटबुक में, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन एंड डू इन द नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।